हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के दिए गए क्वेश्चन बैंक के बारे में। जी हां दोस्तों, पेपर पैटर्न के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन बैंक ऑफ इकोनॉमिक्स में दिए गए हैं। दोस्तों, अगर मेरी मानो तो इस क्वेश्चन बैंक को सबसे लेंदीएस्ट क्वेश्चन बैंक कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स ओसीएम और एसपी में से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक सबसे ज़्यादा लंबा है, चौड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर डाल दिए गए हैं। क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कितना आएगा, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारा कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में था ही, और उसमें ये बड़ा सा क्वेश्चन बैंक जब सामने आ जाता है तो हम ये और ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि अब इसमें से क्या पढ़ें, क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट बुक की जो चीज़ें इसमें है ही, कई और क्वेश्चंस भी ऐसे डाल दिए गए हैं इस क्वेश्चन बैंक में। तो दोस्तों, आज हम खास तौर पर क्या डिस्कस करेंगे, तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को स्ट्रैटेजिकली यूज़ करें तो कई क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन बैंक में से भी पढ़ सकते हैं। अपने को चीज़ों में से जो अच्छी चीज़ें हैं ना, वो निकालने आना चाहिए और वही हम आज करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे पेपर पैटर्न का। कुल मिलाकर के 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 5 आने वाला है और ये 8 मार्क्स पूरे अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन बैंक में से चीजें सॉल्व कीजिए। आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक की मदद से सैंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 को क्रैक कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल और डायग्राम्स और वी कैन से अ पैसेज। ये टेबल, डायग्राम और पैसेज में से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में, और ऐसे 3 क्वेश्चंस होंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे, कुल मिलाकर के 8 मार्क्स यानी 4 मार्क्स ईच। तो कैसे इसे सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको सब कुछ समझाने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ एसपी के भी आईएमपी क्वेश्चंस और काफी दूसरे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज और आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 क्वेश्चंस पूछे होंगे और उसमें से आपको 2 सॉल्व करने होंगे, 4 मार्क्स ईच टोटल। ये क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स का होगा दोस्तों। और इसी क्वेश्चन बैंक के अंदर अगर हम देखें तो टेबल्स भी दिए हुए हैं, पैसेजेस भी दी गई हैं, डायग्राम्स भी हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो हमें आंसर करने हैं उनमें से वो दिए गए हैं। तो ये आपके लिए पीडीएफ में लेकर आया हूं जिसमें पूरा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का, और इसे अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपके 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन यहां पर रीड करूं तो ये एक टेबल दिया गया है एंड दिस टेबल इज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ये टेबल बनाकर दे दिया गया है। इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट छोड़ी गई हैं, हमें टेबल को पहले कंप्लीट करना है और फिर कुछ आंसर्स देने। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो है यहां पर दिया गया है। टोटल यूटिलिटी ऑन द फर्स्ट यूनिट इज 40 और यहां पर ब्लैंक है, तो हमें यहां पर क्या आएगा वो बताना होगा। इसके अलावा 60 सेकेंड यूनिट पर तो इधर 20, उसके बाद टोटल यूटिलिटी जो है 70 हो जाती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 एंड देन वंस अगेन देयर इज अ ब्लैंक एंड देन 0। आप देख सकते हैं इस प्रकार कुछ खाली जगहें हैं, हमें उन्हें फिल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, टेबल के नीचे ही क्वेश्चन दिया गया है कंप्लीट द टेबल, और टेबल को अच्छे से कंप्लीट करने का 1 मार्क मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि यार सर ये कैसे हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे, ये कैलकुलेशन क्या है, कैसा है, तो दोस्तों अगर आपको रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का ये क्वेश्चन है, अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये शेड्यूल बनाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक की पॉइंट्स हैं जो हमने याद किए थे पिछली बार भी जब ये आंसर हमने किया था रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU का, तो हमने याद किया था कि बॉस इनिशियली बोथ आर सेम, यानी TU और MU ये शुरुआत में सेम ही होते हैं, एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, और इसीलिए अगर यहां पर 40 है तो मार्जिनल यूटिलिटी की शुरुआत भी 40 से होगी और यहां हमें मिल जाता है हमारा पहला आंसर, दैट इज 40। इसके अलावा जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं, जो आम बिहेवियर है कंज्यूमर का, वो क्या कहता है कि टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट।
वेर एज मार्जिनल यूटिलिटी गिरी हुई है, ये गिरती रहती है और इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, उसका नाम ही है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहां पर आप देख सकते हैं 40 के बाद 20, 10, 0, माइनस 10, ये गिरने वाला है। जबकि यहां अगर देखें तो दोस्तों 40 के बाद 60, 60 और 70 और फिर एक ब्लैंक है, फिर 60 है। तो यहां पर खाली जगह पर क्या आएगा टोटल यूटिलिटी में? तो याद रखिए, एट अ सर्टन पॉइंट TU becomes maximum and then remains constant, becomes maximum, then remains constant, becomes maximum, then remains constant, यानी 70 के बाद यहाँ पर आपको 70 आएगा। अब दोस्तों मैं जब ये numbers आपको बोल रहा हूँ या complete करके table दिखा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको यही आंकड़े by heart कर लेने हैं, तुम्हाला फक्त तो आंसर एकदा वाचायचा आहे। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू और एमयू एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा कोई भी टेबल उससे रिलेटेड पूछा जाए आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि टीयू का क्या होता है, एमयू का क्या होता है, उस हिसाब से यहां पर ब्लैंक में क्या आएगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आंसर नीचे ही आपकी सहूलियत के लिए दिया है, जहां मैंने टेबल को सबसे पहले कंप्लीट कर दिया। 40 यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इनिशियली बिकॉज इट इज सेम एंड देन यहां पर इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज वाई यहां पर 70 आ गया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन इसी टेबल से रिलेटेड, क्योंकि एक क्वेश्चन चार मार्क का है, तो पहला हमने कंप्लीट टेबल किया, एक मार्क हमें मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स मार्जिनल यूटिलिटी इज डैश। क्वेश्चन आपको टेबल में से ही आंसर देगा। दोस्तों देखिए, टोटल यूटिलिटी फॉल कब होती है? तो यहां पे तो 70 है, फॉल यहां पे होती है 60। देखिए आप शुरुआत से 40 के बाद 60 बढ़ रहा है, 60 के बाद 70 बढ़ रहा है, 70 के बाद 70 कांस्टेंट है, फॉल हुआ क्या? नहीं, फॉल अब होता है 70 के बाद, दैट इज यहां पर 60 पे। तो जब व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स मार्जिनल यूटिलिटी का क्या हो रहा है? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब टोटल यूटिलिटी 70 से 60 आती है तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, और इसीलिए यहां पर आप एक मार्क के लिए आंसर में लिख देंगे नेगेटिव। तो यहां एक और मार्क्स आप हासिल कर लेंगे, टेबल के बेसिस पे पढ़कर आपको आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन इसी टेबल से रिलेटेड है, ड्रॉ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब आपको डायग्राम बनाने के लिए बोला है दो मार्क्स के लिए, दोस्तों टोटल हो गए चार मार्क्स। ये दो मार्क का क्वेश्चन, इससे पहले एक एक मार्क के लिए हमने कंप्लीट किया टेबल और एक छोटा सा आंसर दिया। अब टेबल आपको पता है तो डायग्राम बनाना काफी आसान है। वंस अगेन यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इनिशियली 40 से शुरू होता है, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ये है हमारा मार्जिनल सॉरी टोटल यूटिलिटी कर्व जो ऊपर जा रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, और जो नीचे की तरफ आ रहा है ये क्या है? तो दिस इज अवर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, एमयू कर्व, विच इज डिमिनिशिंग, इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एंड देन बिकम्स नेगेटिव। तो आपको करना क्या है दोस्तों? तो आपको करना सिर्फ इतना है, व्हाट यू विल डू इज फर्स्ट एक्स एक्सिस आप बनाएंगे जहां पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दे देंगे, y एक्सिस बनाएंगे जहां आप टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी प्लॉट करेंगे, और जो टेबल में नंबर्स दिए हैं आपको, जैसे नंबर्स 40 से दिए गए थे वैसे ही आप टेबल में देखकर सिर्फ प्लॉटिंग कर देंगे और आपके दो मार्क्स यहां पर भी कंफर्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा आप सॉल्व करेंगे तो आपको चार मार्क्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन बैंक के अंदर इसी प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको छोटे छोटे उसके नीचे जो आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स देने हैं। मैंने इस पीडीएफ के अंदर सब कुछ सॉल्व किया है क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड। आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और वहां से इसकी लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, अंडरलाइन करके ध्यान से ठोक बजा के सुन लीजिए, आपको लिख कर क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ ऐसे पढ़ते मत बैठिएगा, लिख के इसकी प्रैक्टिस करना, डायग्राम्स बनाना पेंसिल से अच्छे से, टेबल बनाना अच्छे से पेन से अच्छे से, जब आप लिख के खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूरे 8 मार्क्स आप हासिल कर लेंगे। इसको क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ो, आराम से आप अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन अगर देखें यहां पर, तो यहां पर एक बड़ा सा टेबल दिया हुआ है और इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस। वंस अगेन सेकंड चैप्टर का ही है, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का इधर कंपैरिजन आपको दिखाई देगा, और यहां पर भी आप देख सकते हैं यहां पर कुछ बॉक्सेस खाली छोड़े गए हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले यहां पे आप देखिए एमयू ऑफ एक्स इधर एमटी दिया हुआ है, इधर एक एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी एमटी दिया हुआ है, और यहां पे कंपैरिजन में भी दो बॉक्सेस खाली छोड़े हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ही सिंपल सा है, इस टेबल के नीचे कंप्लीट द टेबल दोन गुणांसाठी। म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला इकडे
तुझ्याकडे दोन मार्क भेटतील. फर्स्ट ओनली अँड ओनली यू हॅव टू कम्प्लीट द टेबल फर्स्ट अँड यू विल गेट इझिली टू मार्क्स. तो आप इसको कैसे कम्प्लीट करेंगे, इसके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी है अबाउट MU एंड प्राइज. आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 15 पे सेम टू सेम टेबल दिया हुआ है. इस टेबल को अच्छे से अगर समझोगे तो ये टेबल फिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा. जी हाँ, ये है एग्जैक्टली क्या, तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का तुलना कंपैरिजन किया है. जी हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी हमने यूनिट्स में देखा है और हमारा जो प्राइस है वो तो रुपीज में होता है, तो इन दोनों का कंपैरिजन डायरेक्टली तो नहीं कर सकते. तो क्या करते हैं, MU को यानी मार्जिनल यूटिलिटी को पहले रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं. दैट इज यहाँ पे एक टेबल क्वेश्चन में दिया गया है एक कॉलम, वन यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू रुपीज 10. वन यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू रुपीज 10. अब सिंपल है, देखो आप खुद दिल से जवाब दे दोगे, पहले एक यूनिट का 10 रुपया है तो 10 यूनिट का कितना, 100 रुपया. एक यूनिट का 10 रुपया, एक यूनिट का 10 रुपया तो 10 का कितना, 100. आपने खुद ही जवाब दिया होगा. अब सिंपल है, इधर 100 के नीचे 80 लिखा है तो यहाँ पे कितना यूनिट रहेगा, एकदम आसान, 8 यूनिट. यानी 8 × 10 किया तभी तो 80 आया, सिंपल है ना. सिमिलरली अगर एक यूनिट का 10 रुपया तो 7 यूनिट का कितना, खाली जगह भरो, 7 × 10 = 70. तो बहुत ही आसानी से आप ये टेबल को कंप्लीट कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स. आप देखिए ये तो कंप्लीट हो गया, ये वाला साइड. इस साइड पे अगर मैं आता हूं तो यहां पे तो ऑलरेडी 50 50 50 ये मार्केट प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है. अब इधर आते हैं कंपैरिजन वाले कॉलम में, तो आप ध्यान से देखिए, 100 इज ग्रेटर देन 50, तो कंपैरिजन में हमने क्या लिखा, MU ग्रेटर देन प्राइस, बराबर. सिमिलरली 80 इज ग्रेटर देन 50, 80 50 से बड़ा होता है ना, तो यहां पे हमने लिखा MU ग्रेटर देन प्राइस. सिमिलरली इधर 7 × 10 70 आया दोस्तों, तो 70 भी 50 से जो है वो बड़ा ही है और इसीलिए MU ग्रेटर देन प्राइस. अब ध्यान से देखो दोस्तों, यहां पे 50, यहां पे भी 50, दोनों जगह 50 है, तो यहां पे क्या आएगा खाली जगह पर, यहां पर हम लिखेंगे MU इज इक्वल टू प्राइस. यानी MU और प्राइस दोनों एक पॉइंट पे इक्वल हो जाते हैं, इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं दोस्तों. इसके आगे अगर गाड़ी बढ़ाएं तो यहां पर 3 × 10 = 30 है और इधर तो 50 कॉन्स्टेंट है प्राइस, तो याद रखिए 30 छोटा है प्राइस से 50 से और इसीलिए MU इज लेसर देन प्राइस. सिमिलरली 10 इज लेसर देन 50 और यहां पर भी MU इज than price. तो इसे बोलते क्या हैं? अगर आप पेज नंबर 15 पे हमारी टेक्सटबुक में पढ़ेंगे ध्यान से, तो याद रखिए ग्रेटर जो होता है ना, ये जो ग्रेटर वाला पार्ट है, ये जो 100 ग्रेटर देन प्राइस, ये 80 MU ग्रेटर देन प्राइस, ये ग्रेटर वाले को बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट. क्या बोलते हैं, इंट्रा मार्जिनल यूनिट. क्या बोलते हैं, इंट्रा मार्जिनल यूनिट. और जो लेसर वाला है ना, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट. और उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको टेबल के नीचे नजर आएंगे दोस्तों. PDF में मैंने उसे भी सॉल्व करके दिया हुआ है. आइडेंटिफाई एनी टू मार्जिनल यूनिट्स, तो मार्जिनल इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स दो पहचानने के लिए बोला है, तो अपने पास तो तीन है बॉस, तीन में से कोई भी दो अपन लिख सकते हैं. यहाँ पे तीन है ना, 100 MU ग्रेटर देन प्राइस, 80 MU ग्रेटर देन प्राइस, 70 MU ग्रेटर देन प्राइस, तो याच्यात ना कोणतेही दोन आपण लिहू शकतो. 100 MU ग्रेटर देन प्राइस अँड 80 MU ग्रेटर देन प्राइस आर टू एक्झाम्पल्स ऑफ टू इंट्रा मार्जिनल युनिट्स. सिंपल हो गया. सिमिलरली उसने अपने को पूछा आइडेंटिफाई एनी टू एक्स्ट्रा मार्जिनल युनिट्स, तो एक्स्ट्रा मतलब जहां पर MU जो है वो लेस है और हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कम है फिर भी एक्स्ट्रा पैसा. यानी यहाँ पे 30 और 10 ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स के. तो इस प्रकार दोस्तों, वंस अगेन, अगर ये टेबल भी आता है तो 4 मार्क्स आप आसानी से हासिल कर लेंगे. तो इसी प्रकार पूरे क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस हैं, सभी को मैंने सॉल्व करके इस PDF में डाल दिया है दोस्तों. आप देखिए पहले सारे टेबल्स हैं, ये मार्केट डिमांड का टेबल आपके सामने आपको नजर आ रहा है इसके यहां पे, और अगर मैं आगे जाऊं तो ये सप्लाई का टेबल आपको नजर आएगा, सप्लाई कर्व से रिलेटेड. फिर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग टेबल्स नजर आएंगे जहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन का टेबल है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं. इस प्रकार पहले मैंने पूरे टेबल्स कवर कर लिए हैं और उसके बाद डायग्राम शुरू होते हैं. अब एक पर्टिकुलर डायग्राम है, उसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 4 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं फॉर 4 मार्क्स. ऐसे ही पूरा क्वेश्चन बैंक के अंदर जितने भी
क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन थे वो पूरे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कीजिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। डायग्राम के नीचे के क्वेश्चन भी एकदम सिंपल आप सॉल्व कर सकते हो। चाहिए तो आप मेरा एक बार डायग्राम कैसे बनाने का वो वीडियो भी देख लेना, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। ऑल द डायग्राम्स इन इकोनॉमिक्स, जितने भी अपने सब्जेक्ट के अंदर डायग्राम्स है ना, उसका भी वीडियो बनाया हुआ है। आप एक बार उसे देखेंगे तो आपको डायग्राम से रिलेटेड क्वेरीज भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आखिर में एक क्वेश्चन है दोस्तों पैसेज से रिलेटेड, अगर पैसेज आई तो क्या करने का, तो ये तो और एकदम सिंपल बात हो जाती है दोस्तों। इफ देयर इज अ पैसेज, फाइंडिंग आउट आंसर विल बी इजी, बहुत इजी रहेगा। आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं भी आती रहेगी तो भी इजी रहेगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको 3-4 लाइंस पढ़ के ही आंसर मिल जाएगा। जैसे यहां पर अलग अलग पैसेज दिए हुए हैं, कुछ एक्सरसाइज में से हैं लेकिन कुछ जो है उन्होंने खुद से बाहर से भी डाले हैं। तो ये पैसेजेस आप ध्यान से अगर देखेंगे और रीड करेंगे ना, आपको वही सिमिलर सेंटेंसेस वहां पर मिल जाएंगे और आपको आंसर्स भी आसानी से मिलेंगे। मैंने मार्क करके रखा है, बोल्ड इटैलिक में रखा है, आपको आसानी से यहां पर पैसेजेस के भी आंसर्स मिल जाने वाले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पीडीएफ आप तुरंत डाउनलोड करेंगे, और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मैंने ये पीडीएफ जो है वो शेयर कर दिया है। तो आप जल्दी से इसे डाउनलोड कीजिए और इसको लिख कर ही प्रैक्टिस करना, ताकि आप यूज्ड टू हो जाएं डायग्राम्स बनाने के भी, आप यूज्ड टू हो जाएं टेबल्स और स्केड्यूल बनाने के भी, और आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके 8 मार्क्स आपके पक्के कर सकें। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।